नमस्कार मित्रों, के नए वीडियो में फिर स्वागत करता है आपका AMT यूट्यूबर। आज मैं बाबापुर से कचहरी तक के नज़ारे दिखाने वाला हूँ। बाबापुर से कचहरी करीब 21 किलोमीटर तक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं थोड़ी हल्की धूप निकली है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मौसम है। थोड़ा राइड करने में भी अच्छा लग रहा है। कल एक वीडियो डाला था मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का अन्य क्षेत्र का, तो उसको भी देखिएगा जाके। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अभी और नई नई वीडियो आने वाली है, तो चैनल पे जो लोग हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत सारे वीडियो आने वाली है नई नई। यहाँ के रोड काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। ये रोड मैं सोचा कि बाबापुर एयरपोर्ट से आगे कचहरी तक का राइड किया जाए। अगर ये रोड पकड़ के आपको कचहरी तक जाना है तो काफ़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। ये जाम तो लगते नहीं है इस रोड पे, तो आराम से निकल जाएंगे लोग। वहीं पे देख सकते हैं यहाँ डिवाइडर पर जो पेड़ पौधे लगाए गए काफ़ी दिखने में सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि कंस्ट्रक्शन की वीडियो आपको कैसी लगती है। तो काफ़ी निर्माण कार्य और भी हो रहे हैं और दिखाने में कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर देखिए बगल में इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प है। वहीं ये बता दें कि अगर इस रोड पे अगर सावधानी से अगर गाड़ी नहीं चलाएं लोग तो एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी लोग बाइक को स्पीड कम नहीं करते हैं, काफ़ी लोग तेज़ी से चलाते हैं बाइक यहाँ पे, इसलिए। और बता दें कि जो नए नए रोड बनाए जा रहे हैं उसमें साइन बोर्ड कई लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर लोगों को कहीं जाना हो तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आराम से निकल जाएंगे। देखिए ये रोड जो बनाया गया काफ़ी साइन लग रहा है दिखने में। कमेंट करके बताइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वीडियो चाहिए तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नए नए अपडेट आए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के। अब बताने जाएंगे कि अगर रोड पे अगर बारिश होती तो काफ़ी स्लिप करने का भी चांस रहता है बाइक को, तो कार दिक्कत नहीं होती, कि बाइक अगर लोग जा रहे हैं लेके तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकदम प्लेन रोड है एकदम। काफ़ी रोड की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। अगर आप कभी इस रोड से कभी सफ़र किए हों तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हल्का नीला आसमान देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। वही देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज आ गया है, इसका उपयोग बहुत कम ही लोग करते हैं, ऐसे डाक जाते हैं लोग। जल्द ही आप सीपुर चौराहा आने वाला है। यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी है, देख सकते हैं जब से ये रोड बन गया है तो इस रोड पे। अब बताना चाहेंगे इस पर जो लाइटिंग वगैरह भी की गई थी काफ़ी बेहतरीन की गई है। रात में जो पेड़ पौधे जो लगाए हैं बीच में डिवाइडर पर, काफ़ी जो लाइट जलता है रात में काफ़ी चमकता है। अब बताते हैं इस रोड पर भी फ्लैट वगैरह भी काफ़ी दिख रहे हैं। वही बगल बगल में आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन रोड बनाया गया है घूमने फिरने के लिए। अब भाई ये रोड पकड़ के आप लखनऊ दिल्ली निकल सकते हैं ये रोड पकड़ के। अब भाई ये रोड पकड़ कर सिटी में अगर आना है, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने संकट मोचन हो गया, जिसे बहुत सारे मंदिर हैं, तो ये रोड पकड़ के आसानी से आ सकते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे ये रोड पकड़ के, क्योंकि काफ़ी लोगों को आसान हो गया ये रोड से। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे भी रीज रोड पे भी लोग नहीं मानते हैं, साइड साइड में बाइक खड़ा कर ही देते हैं, देख सकते हैं इतनी कारें खड़ी हैं यहाँ पे साइड साइड में। अगर रोड अगर पूरा खाली रहे तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे लाइन से पूरे मार गया दुकानें हैं, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी दुकानें लाइन से हैं। देखिए इसमें मैं आ गया हूँ सिपो चौराहे पे, और सामने देख सकते हैं अतुलानंद इसका स्कूल है ये। जाम इस रोड पे काफ़ी लगता है, आपको बता दें जाम की समस्या काफ़ी है। ये सिपू चौराहे का रोड है, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे भी दुकानें काफ़ी मिल जाएंगी, लाइन से मार्केट यहाँ पे लगता है। अगर ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ी सी मेहनत किया हूँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।
क्योंकि एक लाइक से आगे की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बता दें कि यहाँ पे सीपुर चौराहे से गिलेट बाजार के रोड तक काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह मिलते हैं इस रोड पे। अब बता दें यहाँ पे कई सारे टायर वगैरह के भी दुकान मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे खासियत ये भी है कि यहाँ पे छोटे छोटे मॉल भी मिल जाते हैं कपड़े के। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, देखिए गिलेट बाजार ही आ गया है चेतमढ़ी का। चेतमढ़ी एक शॉप था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, बता रहा हूँ। देखिए रास्ते में पड़ रहे थे अभी। जाम का समस्या और बनारस में ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्योंकि बताना चाहेंगे यहाँ पे एक साइड से चलते ही नहीं लोग, इधर से उधर से गाड़ी घुमा देंगे तो जाम तो काफ़ी लगेगा ही ना। चलिए मुझे निकलना है इधर कचहरी की तरफ। ये वीडियो समाप्त करूँगा मैं कचहरी के पास जाके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा वीडियो देख के इन्जॉय करें। बनारस के रोडों को भी देखें, बनारस का रोड भी पहले से कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बनारस के जो रोड अभी हैं, अभी गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ है, काफ़ी गड्ढे हैं अभी, उस सब काम होने में काफ़ी समय लगेगा अभी। यहाँ पे भी देखिए गाय वाय मिल जा रही है रोडों पे। देखिए इसमें मैं आ गया हूँ कचहरी के पास, जल्द ही कचहरी आने वाला है। यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे रोडों पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ पे भी सर्किट हाउस के पास पार्किंग बनाई जा रही है, अभी काम पूरा लगभग हुआ नहीं है, वो भी काम अगर पूरा होता तो वो भी चालू हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जाम का समस्या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या नहीं ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सर्किट हाउस, कचहरी, विकास भवन सब यहीं पर पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे रोडों पर पूरा सभी लोग की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे कार वार। अभी आगे देखिएगा जो कचहरी के पास बाइक भी लाइन से खड़ी रही होंगी, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए बहुत काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए कैसे गाड़ी खड़ी है, कैसे गाय खड़ी है यहाँ पे रोडों पर, देख सकते हैं बीचों बीच लगाए, डिवाइडर को भी नहीं छोड़ रहे, डिवाइडर पर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखिए यहाँ पे कचहरी से जो हैं लोग, यहाँ पे देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ा की गई है यहाँ पे, बाइक वाइक देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी देखिए बाइक की लाइन लगी है। यहीं बगल में दिखाता हूँ आपको, पार्किंग बन रही है, आगे चल के दिखाता हूँ। देखिए ये गेट है लेफ्ट साइड में, देखिए यहीं पार्किंग बन रहा है। देखिए यहाँ पे यही कचहरी के पास भी खाने पीने की चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं यहाँ पे। सब गाड़ियाँ मतलब वकील के भी हैं, कुछ लोग आते जाते हैं यहाँ पे काम वाम करवाते हैं, उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे। बता दें कचहरी पे एक जलान भी पड़ता है, एक मार्केट नज़दीक मिल जाता है जलान भी, क्योंकि जो लोग इधर से रहते हैं जलान से शॉपिंग करते हैं लोग। गाड़ियों का पूरा भरमार लग रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इसीलिए जाम लगता है ना रोडों पे, ये सब अवैध पार्किंग है। देखिए समय आ गया हम चौराहे पे, मैं कचहरी चौराहा ये है। क्योंकि यहाँ से बता दें बड़े बड़े अधिकारी आप यहाँ से लोग जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग तो भी यहाँ से पार्किंग हटाने का कुछ होता नहीं है, ऐसे ही गाड़ी खड़ी करते हैं लोग। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी राइड वाली और निर्माण कार्य की वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।